R9 टीवी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को फिर से राहत नहीं मिली है। 21 तारीख को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से वो लगातार सीबीआई की कस्टडी में चल रहे हैं और एक दिन की और कस्टडी बढ़ा दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पी चिदंबरम को फिलहाल अभी राहत नहीं मिली है। सीबीआई कोर्ट ने बढ़ाई है एक दिन की कस्टडी। जमानत अर्जी पर अब मंगलवार को होगी सुनवाई। जमानत अर्जी को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने किया था खारिज। कपिल सिब्बल ने दाखिल की थी जमानत अर्जी। हालांकि एक राहत की बात जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस दलील को माना कि उन्हें तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा, उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा जा सकता है। लेकिन अब चूंकि एक दिन की कस्टडी और बढ़ गई है, अब इंटरिम बेल के लिए कल वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। वहां पर उनके वकीलों की दलील जारी रहेगी। कल हो सकता है उन्हें कोई राहत मिल जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, फिलहाल तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को राहत नहीं मिली है, एक दिन की सीबीआई कस्टडी और बढ़ गई है। बाकी अपडेट्स के लिए भी आप बने रहिए R9 टीवी के साथ।